हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ और घर में मैंने छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट तो अभी हो रहा है रात के 8:30 बज रही हैं और आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आज मैं व्लॉग बना लेती हूँ। थोड़ा सा किचन में भी बहुत बड़ा चेंज हो चुका है जो कि मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैं किचन में भी व्लॉग्स बनाती हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया है। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किचन में क्या चेंज हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर का जो स्टिकर है ना, वो मैंने नया लगाया हुआ है, क्योंकि स्टिकर लगाए हुए ऑलमोस्ट 6 to 7 month हो चुके हैं। तो स्टिकर के जो ऊपर वाली लेयर है वो खराब हो रही थी, तो आप देख सकते हो कि ये नीचे वाली लेयर है। इसे मैंने बहुत निकालने की कोशिश की है बट ये नहीं निकला, तो ये धीरे धीरे करके ही निकलेगा। एक्चुअली क्या है ना कि स्टिकर मेरे पास ज्यादा नहीं रखा हुआ था, सिर्फ इतना ही रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ तक के लगा दिया है और यहाँ का स्टिकर मैं धीरे धीरे करके जरूर निकाल लूंगी। एक्चुअली स्टिकर निकालने के चक्कर में मेरी उंगलियों पे आज थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो गई है। एंड गाइज, मैंने ये भी सोचा है कि जहां तक स्टिकर लग गया सो लग गया, अब मैं दोबारा जहां पर से स्टिकर मुझे निकालना है वहां पर मैं नहीं लगाने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम कोई गर्म चीज बनाते हैं तो उसे रखने का भी स्पेस चाहिए होता है, जो कि मुझे पहले समझ में नहीं आया था। तो स्टिकर के ऊपर ही खाना रखना पड़ जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाना है तो उसको रखने का स्पेस भी आपको चाहिए। और जब मैं बर्तन वॉश करके भी रखती थी तो भी वहां पे पानी गिर जाता था, तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं वहां पर वॉलपेपर स्टिकर बिल्कुल नहीं लगाने वाली हूँ। मुझे पता नहीं है कि वॉलपेपर स्टिकर को कैसे निकाला जाता है, तो जितना भी मुझसे हो सका मैंने उसे निकाला है एंड मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे करके जरूर निकल जाएगा। गाइज, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि अब मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं डिसाइड करती हूँ कि अब मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊंगी और उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसकी वजह से मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं बना पाती। तो इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहती है और कोई भी प्रॉब्लम बताकर नहीं आती है। तो हमेशा जब भी मैं ब्लॉग डेली बनाना स्टार्ट करती हूँ उसके बाद लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, वजह से ब्लॉग बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं सोचना भी बंद कर देती हूँ। गाइज, आप लोग भी मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, मेरे ब्लॉग्स आप लोग देखते नहीं हो, लोग मेरे ब्लॉग्स को लाइक नहीं करते, मुझे कमेंट नहीं करते, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो कि मैं ब्लॉग्स बनाने के लिए मोटिव वेट हो सकूं। अभी के लिए बाय गाइस, कल के व्लॉग में मिलते हैं, तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज रिचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइस।